किसान संगठन ने राज्य में अगस्त और सितंबर में औसत से अधिक बारिश के कारण पूरे राज्य में गीला सूखा घोषित कर 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। तहसीलदार राजू रणवीर के मार्फत मुख्यमंत्री को एक निवेदन भेजा गया है। किसान संगठना के जिला अध्यक्ष उल्हास कोटमकर, डॉक्टर हेमंत इसनकर, भावराव देवड़ी, जीवन गुरनुले, सुनील हिलसे द्वारा राज्य के कुछ हिस्सों में सितंबर के अंतिम सप्ताह में हुई भारी बारिश ने फसल को कपास, सोयाबीन, मग, उड़द और सब्जियों को नष्ट कर दिया है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और किसान बेहाल हो गए हैं। निवेदन में राज्य में गीले सूखे की स्थिति का भी आह्वान किया गया। खेती राज्य के अधिकांश लोगों का उद्योग है, इसलिए सरकार को तुरंत 25,000 रुपए एकड़ की सब्सिडी की घोषणा करनी चाहिए, ऐसी निवेदन में मांग की गई है। निवेदन देते समय नीलेश मुले, केशवराव भोले, सुनील पाटिल, शंकर घुमड़ी, तुकाराम थूटी आदि किसान संगठना के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज शेतकरी संघटनेच्या वतीने समुद्रपूर तालुक्यात निवेदन देण्यात आले। ते निवेदन असे होते की सध्या पावसामुळे कपाशी आणि सोयाबीनच्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। कपाशी पूर्णपणे लाल आणि पिवळे पूर्ण तिला पोंड सडून गेले आहे। सोयाबीनही बरेचसे शेतकऱ्यांची सोयाबीनची नुकसान झाली आहे। म्हणून आम्ही तातडीने सरकारला एक हेक्टरी 25,000 रुपयाची मदत मागत आहोत। हे आज निवेदन राज्य सरकारपर्यंत तहसीलदार मार्फत राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आज निवेदन देत आहोत। जर या निवेदनाची दखल सरकारने घेतली नाही तर शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून शेतकरी संघटनेच्या स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल। ही सरकारने जबाबदारी घ्यावी, अन्यथा सरकारच्या रोषाला, शेतकऱ्याच्या रोषाला सरकारला सामोरं जावे लागेल। BCN न्यूज के लिए समुद्रपूर से प्रमोद वैद की रिपोर्ट।